नमस्कार दोस्तों, और वक्त है आज आप सभी के फेवरेट सीरीज का। जी हाँ, गेम्स ऑफ द मंथ। और आज हम बात करेंगे ऐसे 10 एंड्रॉइड गेम्स के बारे में जो आप जुलाई के महीने में अपने फोन पे इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम गेम्स की बात कैड इनटेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहला गेम है दोस्तों लिस्ट में Axe.io। और जितने भी दोस्तों आजकल ये आयो गेम्स पॉपुलर हो रखे हैं उसमें से अभी तक का सबसे क्यूट मुझे ये गेम लगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्स जितने भी आपके एरिना में उसको उठाने हैं, शील्ड्स आपको उठानी है और उससे शील्ड से एक्चुअली अपने आप को बचाना है। और एक्स को दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन पे दूसरों पे फेंक करके उन सबको मारना है और पॉइंट्स कमाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट्स के लिए आपको कॉइन्स इकट्ठे करने हैं, तो आप अगर दूसरों को मारते हैं तो उनके कॉइन्स गिर जाते हैं और आपको वो भी इकट्ठे करने हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और जो सर्वर्स अभी तक जितने भी मैंने खेले हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मुझे लगे। दूसरा गेम है दोस्तों सॉकर अल्टीमेट टीम, और ये उन सारे फैंस के लिए जो अभी फीफा में अपने फोन पे एक नया कोई फुटबॉल का गेम खेलना पसंद करेंगे। और जहां तक दोस्तों फुटबॉल की बात है तो प्रो एवोल्यूशन सॉकर, फीफा 2018, ऐसे बहुत सारे नोन नाम है जो आप अपने एंड्रॉइड में इंस्टॉल कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप वो सारे गेम्स खेल चुके हैं या फिर वो हैवी गेम्स आपके फ़ोन पे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आप इस पर्टिकुलर सॉकर गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फुल फ्लेज्ड फीफा गेम तो नहीं मिलता, बट आप जेस्चर से जितने भी गोल्स होते हैं या फिर आप पास कर सकते हो। और ऐसे में टेक्स्ट बेस्ड गेम में दोस्तों आपको थोड़े बहुत मूव्स दिखाएगा, बट जब फिनिशिंग शॉट्स होंगे या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए आप फुटबॉल मैच का हाईलाइट खेलेंगे। तीसरा गेम है लिस्ट में दोस्तों रेस्क्यू लूसी 2, और ये एक पजल बेस्ड गेम है जहाँ पे आपको एक सिनेरियो दे दिया गया है कि लूसी जो कि आपका पेट डॉग है वो नहीं मिल रहा है। और ऐसे में आपको एक हॉन्टेड मैंशन जाना है जहाँ पे डिफरेंट क्लूज होंगे। तो कहीं आपको दोस्तों क्रोबार उठा करके दरवाजे तोड़ने हैं या फिर आपको किसी अलमीरा को खोल करके वहाँ से क्लू इकट्ठा करना है। और ऐसे में फाइनली जब आप सारे के सारे क्लू इकट्ठा कर लोगे तो फिर ये गेम है दोस्तों वहाँ पे आपको लूसी मिल जाएगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट यहाँ पे हिंट्स हैं जो आप एड्स देख करके या फिर कुछ इंट्रा ऐप पेमेंट करके कमा सकते हैं। चौथा गेम है दोस्तों लिस्ट में गूस बम्स हॉरर टाउन, और ये दोस्तों जो गेम है वो गूस बम्स जो सीरीज थी, जो बुक्स की सीरीज थी उस पे है। तो गूस बम्स का मतलब होता है दोस्तों रोंगटे खड़ा कर देने वाला, मतलब डरावनी कोई चीज़। तो ऐसे में आपको ऐसा एक टाउन बिल्ड करना है जहाँ पे भूत रहते हो और उसमें से आपको लोगों को जो ह्यूमंस है उनको भगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो गेम प्ले है वो कई हद तक सिम्स या फिर टाउनशिप जैसा है जहाँ पे आपको अपना एक टाउन बनाना है। बट उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं और जिस तरीके से गेम दिखाया गया है तो वहाँ पे जो हॉरर लवर्स हैं, जो गूसबम लवर्स हैं, उनको बहुत पसंद आने वाला है। बढ़ते दोस्तों अगले गेम की तरफ जिसका नाम है वेस्ट वर्ल्ड, और ये भी एक सिमुलेशन गेम है। और वेस्ट वर्ल्ड दोस्तों जो सीरीज है HBO की वो बहुत पॉपुलर है और वो सिमुलेशन भी बना है जहाँ पे रोबोट दोस्तों एक दुनिया चलाते हैं वेस्ट वर्ल्ड नाम की। और ऐसा ही आपको गेम में भी करना है, आपको ड्रॉइड्स मिलेंगे जिनको आपको ट्रेन करना है और उससे अपना पार्क चलाना है। और लिटरली आप तो ऐसा लगेगा कि यार वो जो पूरा वेस्ट वर्ल्ड है ना वो मेरा है। और कहीं ना कहीं कहीं हद तक इसकी जो स्टोरी है वो जो ओरिजिनल टीवी स्टोरीज है उससे मिलती जुलती है। तो अगर आप HBO के वेस्ट वर्ल्ड के फैन हैं तो इस गेम को तो पक्का इंस्टॉल करो। पढ़ते दोस्तों नेक्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम है सिली वॉक्स, और ये बहुत ही क्यूट गेम है जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है वो जो समझ लीजिए कोई पाइनएप्पल है या फिर रैमन जो नूडल्स है उसका एक कप है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उसको चलाना है और एक टांग पे वो चलेगा, रोटेट करेगा और फिर आपको लेफ्ट राइट उसको चलाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कभी किक करना है या फिर उनसे बचना है और स्टार्स कलेक्ट करते हुए जो फाइनल अपने दोस्तों को बचाना है। तो बहुत ही क्यूट गेम लगा और बहुत ही कैजुअल टाइम पास गेम आप इसको समझ सकते हैं। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम है गैलेक्सी वॉरियर, और इसे आप एक 2018 वर्जन ऑफ स्पेस अटैक समझ सकते हैं। जी हाँ, स्पेस अटैक या फिर गैलेक्सी अटैक जो हम पुराने वीडियो गेम्स में खेलते थे उसका ये आप एक HD वर्जन समझ सकते हैं। गेम प्ले कहीं हद तक सिमिलर है, बट अगर वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपको वापस अपने एंड्रॉयड फोन पे लेके आनी है तो इस गेम को अभी के अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से इंस्टॉल कर लो। पढ़ते दोस्तों अगले गेम की तरफ जिसका नाम है नाइट क्रॉनिकल्स, और ये एक RPG गेम है, बेसिकली कार्ड बेस्ड RPG गेम। और यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो गेम का ऑडियो है
वो अभी तक इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इंग्लिश सबटाइटल्स मिल जाएंगे और सारे के सारे ऑप्शंस इंग्लिश में है। इस गेम को रखने का एक बहुत बड़ा रीजन इसकी जो ग्राफिक्स है वो है, और दोस्तों ये वन ऑफ इट्स काइंड गेम है जहाँ पे आप इसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड दोनों ही फॉर्म में खेल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक हाथ से इसको खेलना चाहते हैं, आपको पोर्ट्रेट मोड में खेलना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको गेम पैड में लगा करके या फिर लैंडस्केप मोड में आराम से चिल करते हुए खेल सकते हैं, तो वो आपको दोनों ही ऑप्शन दे देता है अच्छे ग्राफिक्स के साथ। तो इस गेम को ज़रूर इंस्टॉल करो और इसके जो अलग गेम प्ले है उसको भी एक्सपीरियंस करो। बढ़ते नेक्स्ट गेम की तरफ जो है 2048 सॉलिटेयर। जी हाँ, अगर आपको याद हो 2048 एक पजल गेम आया था जहाँ पे आपको 2 पे 2 फेंकना होता था, 4 पे 4, और उसके साथ वो 2 के मल्टीप्लिकेशन में जाता था और आपको बाद लास्ट में 2048 बनाना पड़ता था, तो उसी का दोस्तों ये कार्ड वर्जन है जहाँ पे आपको 4 स्टैक मिल जाते हैं कार्ड के सॉलिटेयर बेसिस पे, और वहाँ पे आपको 2 पे 2, 4 पे 4 भेजना है। तो स्टार्टिंग में बहुत ईजी लगेगा, लेकिन मुझे ये गेम जो लास्ट गेम जो उनका जो स्क्वायर बेस्ड पजल था उससे कहीं ज़्यादा एडिक्टिव लगा। बढ़ते दोस्तों अगले गेम की तरफ जिसका नाम है माइट एंड मैजिक एलिमेंट गार्डियंस, और ये दोस्तों एक टर्न बेस्ड आर्केड गेम है। तो आजकल टर्न बेस्ड आर्केड गेम बहुत चल रखे हैं प्ले स्टोर में, और अभी हमने जैसे मार्वल फ्यूचर फाइट देखा था वैसा ही दोस्तों आपको यहाँ पे गेम है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक मिथिकल क्रीचर्स हैं जो आपको अपने साथ ट्रेन करने हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए ड्रैगन्स हैं, यूनिकॉर्न्स है, तो वो सारे मिथिकल क्रीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको ओपोनेंट को हराना है। तो आपको जो पावर्स है वो अच्छी तरह यूज़ करनी है, और कोई एक पावर है वो एक पे चार्म करेगी, कोई दूसरी पावर है वो आप सारी टीम को दे सकते हो जिससे कि हेल्थ आपके जनरेट हो। तो ऐसे में दोस्तों ये स्टार्टिंग में आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग दे देगा, उसके बाद इन सब चीज़ों को मास्टर करना है वो आपका आखिरी काम है। तो ये थे दोस्तों 10 नए एंड्रॉयड गेम्स जो आप जून के महीने में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जी हाँ, पबजी, एसफॉल्ट 9, इतने धड़ाकेदार गेम्स इस महीने लॉन्च नहीं हुए, और इसके लिए दोस्तों मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, बट एनीवेज हम इस वीडियो में आपके लिए फ्रेश और सबसे बेस्ट गेम्स लेकर के आए, तो उसके लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये सीरीज पसंद आई, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करो, और अगर अभी तक आपने जीटी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब के बटन भी अभी दबाओ, बिकॉज हर महीने हम बेस्ट ऐप्स ऑफ द मंथ, बेस्ट गेम्स ऑफ द मंथ और बेस्ट वेबसाइट ऑफ द मंथ की सीरीज आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।